तो रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। एक बड़ी जानकारी आ रही है युद्ध को लेकर। रूस के विदेश मंत्री ने एक बड़ा बयान दे दिया है। रूस विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कह दिया कि इसे यूक्रेन और रूस की युद्ध कहना सही नहीं होगा, इसको एक स्पेशल ऑपरेशन कहिए। एक सवाल के जवाब में सर्गेई लावरोव ने यह बयान दे दिया कि इसको युद्ध कहिए, स्पेशल ऑपरेशन कहिए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव जो भारत दौरे पर आए हैं, उन्होंने ये बात कही है, एक बड़ा बयान दिया है। तो युद्ध का आज 38वां दिन हो चुका है। अब तक आप इस युद्ध में रूस के हमलों के बारे में सुनते आए थे, रूसी हमले की तबाही की तस्वीरें देखते आए थे, लेकिन शायद पहली बार इस जंग में यूक्रेन ने रूस पर पलटवार किया। भले ही किसी को नुकसान न हुआ हो, लेकिन यूक्रेन ने बताने की कोशिश कर दी कि वो भी हमला कर सकता है। सैंतीस दिनों से इस युद्ध में रूस ने यूक्रेन पर अपना दबदबा बनाए रखा और यूक्रेन के शहरों पर बम बरसाता रहा। रूस के बम हर दिन यूक्रेन की गलियों को तबाह करते रहे। लेकिन शायद इन 37 दिनों में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूक्रेन ने रूस के इलाके पर हमला बोला। तस्वीरें रूस के बेलगोरोद की और आग की लपटों में जल रहा ये तेल डिपो है। खबर है कि दो यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने रूस के बेलगोरोद में इस तेल डिपो पर हमला कर उसे तबाह कर दिया। ये तेल डिपो रूस की तेल कंपनी रोसनेफ्ट का है। कंपनी ने ये अपने बयान में कहा कि इस हमले में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन यूक्रेन का प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।